आज गोविंदा अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक जमाने में बॉलीवुड पर राज करने वाले सुपरस्टार गोविंदा आज स्टारडम को बहुत मिस करते हैं। 90 के दशक में हर फिल्म मेकर और हीरोइन की पहली पसंद रहे गोविंदा को कहीं न कहीं आज भी इस बात का मलाल होगा कि उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया जो उनके करियर को कायापलट कर सकती थी। साल 2000 के दौर में गोविंदा ने कई फ्लॉप फिल्में दी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि गोविंदा का स्टारडम खत्म हो गया या लोग उन्हें पसंद नहीं करते, बस वक्त ही कुछ ऐसा है। एक नज़र उन फिल्मों पर जो गोविंदा ने रिजेक्ट की। देवदास। संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म देवदास में चुन्नी लाल के किरदार के लिए गोविंदा को अप्रोच किया था, लेकिन गोविंदा ने वो किरदार करने से मना कर दिया। यह रोल बाद में एक्टर जैकी श्रॉफ को दिया गया। फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसमें जैकी श्रॉफ के रोल को भी काफी सराहा गया। देवदास में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थीं। देवदास 2002 में आई थी और उस वक्त यह भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजी गई, साथ ही इसे कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। गोविंदा को ऐसे मिला था फिल्म में बतौर हीरो चांस। पढ़ें इंटरेस्टिंग बातें। इस फिल्म को रिजेक्ट किए जाने पर गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कैमियो रोल नहीं करना चाहते थे। अगर फिल्म में सलमान होते तो वो रोल कर लेते, लेकिन संजय लीला भंसाली ना तो उनके दोस्त थे और ना ही शाहरुख ने उन्हें फोन किया कि वो रोल करें। गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म में तारा सिंह के किरदार में सनी देओल के अलावा किसी और एक्टर को सोचना पॉसिबल नहीं है। सनी देओल ने वो किरदार निभाया ही इतने अच्छे ढंग से था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारा सिंह के रोल के लिए सनी देओल नहीं बल्कि गोविंदा पहली पसंद थे? यह सच है। तारा सिंह का किरदार गोविंदा सिंह को ही दिमाग में रखकर बुना गया था, लेकिन उसी दौरान गोविंदा की एक फिल्म महाराजा रिलीज हुई थी जो फ्लॉप रही। इसी को देखते हुए गोविंदा को इस फिल्म से रिप्लेस कर सनी देओल को साइन कर लिया गया। फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और आपको यकीन नहीं होगा कि गदर सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। गोविंदा के किरदार को 31 सालों से असल जिंदगी में जी रहे विद्यासागर। इस रोल के लिए सनी देओल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। वाकई गोविंदा को आज अफसोस होता होगा कि गदर जैसी फिल्म में उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला। ताल फिल्म ताल में अनिल कपूर वाला रोल पहले गोविंदा को ही ऑफर किया गया था, लेकिन गोविंदा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वजह? क्योंकि गोविंदा को फिल्म का टाइटल पसंद नहीं आया। बाद में जब फिल्म अनिल कपूर, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय को लेकर बनी तो सुपरहिट रही और अनिल कपूर के रोल को भी काफी पसंद किया गया। इस रोल के लिए अनिल कपूर को कई अवार्ड मिले।